बीजेपी सरकार से क्यों है दलित नाराज। दलितों के सर्वे में हमने जाना और देखा और जो सुना उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। पिछले 5 सालों में जो हम दलितों के साथ हुआ है वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही हुआ होगा। आपने हम दलितों की 91% नौकरियां भी कम कर दी, इसलिए हम आपसे नौकरियों की अपेक्षा तो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। आपके राज में औसतन हर रोज 6 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। हम दलितों पर होने वाले अत्याचार में 5.5% की वृद्धि हुई है, इसलिए हमने आपसे यह अपेक्षा भी छोड़ दी कि आप बतौर प्रधानमंत्री बिजली, सड़क, पानी जैसी हमारी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देंगे। हम आपसे सब अपेक्षाएं छोड़ चुके हैं, सिर्फ एक चीज की अपेक्षा रखते थे कि भले ही आप हमें सुरक्षा प्रदान ना कर सकें, पर कम से कम आप उन लोगों का साथ तो ना देंगे जो हमारे आत्मसम्मान की हर रोज धज्जियां उड़ाते हैं। पर अफसोस, आपसे यह भी ना हो सका। आपके द्वारा मनोनीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम दलितों से मिलने से पहले साबुन भिजवाते थे, हम पर इत्र छिड़कवाते हैं। हम नहीं भूले हैं ऊना को, सहारनपुर को, भीमापुरे गांव को। हम नहीं भूले हैं कि शादी में हमें घोड़ी चढ़ने के लिए हमको मारा गया। हम नहीं भूले हैं कि हमें मूछे रखने पर पीटा गया है। हम नहीं भूले हैं हमारे साथियों को गरबा देखने के लिए चाकुओं से गोदा गया। हम यह भी नहीं भूले हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में आपके लोगों ने हमें फसल कटाई से मना करने पर पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। आप कल्पना कीजिए कि क्या गुजरी होगी हम पर। आप एक बार तो क्या हजारों जन्मों तक हमारे पांव धोएंगे, तब भी आपका ये पाप नहीं कटने वाला। आपके लोगों ने हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे आत्मसम्मान पर लगातार निरंतर प्रहार किए हैं। हमारे शरीर के घाव तो भर जाएंगे, पर हमारी आत्मा छलनी हो चुकी है। हम और हमारे ये बच्चे जिन्होंने ये मंजर देखे हैं, हमारी इज्जत हर रोज तार तार होते महसूस किया है, वो तो आपको हरगिज माफ नहीं कर सकते। हाँ, बाकियों को भी बहकाने के आपके जतन कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत के लोग सर्वप्रथम देश और फिर इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, फिर उसके बाद राजनीति के साथ खड़े होते हैं। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।